नमस्कार, एनबीसी न्यूज के टॉप 20 खबरों में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। ईडी ने केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए कहा है कि अगर उन्हें चुनाव प्रचार के लिए बेल मिलती है तो इससे गलत परंपरा बन जाएगी। गाजियाबाद में पिछले दिनों टाटा स्टील के बिजनेस हेड की लूट के बाद हत्या के आरोपी अक्की को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। इस दौरान सब इंस्पेक्टर भी घायल हो गया। मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान को इज्जत देना चाहिए क्योंकि उसके पास एटम बम है। अगर हमने उन्हें सम्मान नहीं दिया तो वे भारत के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकते हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, कांग्रेस, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। शराब घोटाले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई है। के कविता ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। इसी के साथ आज से चार धाम की यात्रा शुरू हो गई। तेलंगाना में कांग्रेस नेता और वायनाड और रायबरेली सीट से पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार राहुल गांधी और सीएम रेवंत रेड्डी ने जनजत्था सभा के बाद आरटीसी बस में यात्रा की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भाजपा उम्मीदवार रवि किशन ने कहा है कि यह मेरा सौभाग्य है, मुझे नामांकन दाखिल करने का मौका मिल रहा है। काशी के बाद गोरखपुर हॉट सीट है और देश दुनिया की निगाहें गोरखपुर पर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक और 5T के अध्यक्ष और पार्टी नेता वीके पांडियन ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। रूस में विजय दिवस के मौके पर राष्ट्रपति पुतिन ने सेना को परमाणु अभ्यास करने का आदेश दिया। साथ ही पुतिन ने कहा कि हमारी परमाणु फोर्स हमेशा अलर्ट पर रहती है। क्रिकेट में हर रन की कीमत होती है, ये रन सिर्फ जीत की वजह नहीं बनते बल्कि रिकॉर्ड की पटकथा भी लिखते हैं। अब विराट कोहली को ही ले लीजिए, पीबीकेएस के खिलाफ 8 रन कम बनाने के चलते वे अपने सवे शतक से चूक गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट को गद्दार वाले बयान पर जवाब दिया है। सीएम ने उद्धव गुट पर बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को त्याग देने का आरोप लगाया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में कुल 8 लोग घायल हुए। अभिनेत्री लैला खान, उनकी मां और 4 भाई बहनों को मौत के घाट उतारने वाले सौतेले पिता को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। अब 14 मई को आरोपी को सजा सुनाई जाएगी। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से बीजेपी उम्मीदवार उज्जवल निकम ने कहा कि 26/11 हमले में मैंने ट्रायल किया, मेरे ऊपर आरोप लगाए गए, लेकिन जो शहीद हुए उनकी शहादत को अपमानित मत करो। पुणे में एक महिला इंजीनियर छात्रा के खिलाफ अपने छात्रावास में लड़कियों की तस्वीरें खींचने और उन्हें अपने मेल फ्रेंड के साथ शेयर करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मातृदेव भव, पितृदेव भव कहने वाला हमारा हिंदुत्व है। आप सिर्फ बाला साहेब मत बोलिए, हिंदुदेव सम्राट बाला साहेब बोलिए। अगर आप ये नहीं बोल सकते तो महाराष्ट्र आपको दिखा देगा कि हिंदुदेव सम्राट कैसे कहना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड नए हेड कोच के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने खुलासा किया है कि नए हेड कोच को लेकर जल्द ही प्रक्रिया शुरू होगी। घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत आज बढ़त के हरे निशान में तो हुई है, लेकिन गुरुवार को देखी गई भारी गिरावट से उबरने में बाजार को बेहद मेहनत करनी पड़ी है। सनी देओल का ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर का सीक्वल आने वाला है। बीते साल से ही इस फिल्म की चर्चा हो रही है। रिलीज डेट के साथ साथ अब तक इस फिल्म से जुड़े कई अपडेट सामने आ चुके हैं। आयुष्मान खुराना भी इस फिल्म का हिस्सा होने वाले हैं। ऐसी ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए एनबीसी न्यूज। धन्यवाद।